अंग्रेजी में कहते हैं कि where there is a will, there is a way. इसका मतलब सीधा सरल शब्दों में यह है कि जहां चाह वहां रहा। अगर कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति आप में है तो फिर आप उसे कर सकते हो। 90% काम इच्छा शक्ति कर देती है और बाकी के 10% में दूसरी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि परिस्थितियां भी हो गई। सरकारी स्कूल को लेकर के आम जनमानस में एक मानसिकता बनी हुई है और ईमानदारी से अगर कहें तो ये बहुत अच्छी नहीं है। कारण, निजी स्कूलों की तुलना में बहुत सी कमियां नजर आती हैं। वातावरण ले लीजिए, पढ़ाई करने और पढ़ाने की प्रतिबद्धता ले लीजिए, साफ सफाई, शिष्टाचार और भी कई सारी चीजें हैं जो इस फर्क को और बढ़ा देती है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। यही बताने की हमारी कोशिश रहती है कि सरकारी स्कूल भी किसी से कम नहीं है, बस बात यहाँ फिर उसी इच्छा शक्ति की आ जाती है। उदयपुर जिले के भिंडर उपखंड में धारता गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ ने वो कर दिखाया है जो शायद अभी सारे ही सरकारी विद्यालय को एक प्रेरणा के तौर पर लेना चाहिए। इस स्कूल में जब रंग रोगन का बजट पारित हुआ तो सबने सोचा कि कुछ हटकर किया जाए। एक शिक्षक ने कहा कि पेंटिंग बनवाई जाए, तो वहीं दूसरे शिक्षक ने कहा कि इसे ट्रेन का रूप दिया जाए। सभी ने नेट पर सर्च किया तो सहमति बन गई कि इसी तरह से पूरी स्कूल को ट्रेन की तरह पेंट करवाना है। तय हो गया कि यहाँ प्रिंसिपल का ऑफिस और स्टाफ रूम तो होंगे इंजन और बाकी क्लासरूम्स बनेंगे ट्रेन के डिब्बे। अब बजट तो था कम, इसमें ये हो पाना बड़ा मुश्किल था, तो अध्यापकों ने इस पर हार नहीं मानी बल्कि अपनी जेब से इसमें फंड मिलाया और इस कल्पना को हकीकत में परिणत करने के लिए संपर्क किया गया सालेडा के पेंटर संदीप गर्ग से। उन्होंने 2 माह में ही इसे साकार कर दिया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि सभी की उम्मीद रंग लाई और यहाँ जब सत्र चला तो नामांकन अचानक न सिर्फ बढ़ गया बल्कि डबल हो गया। तो सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि स्कूल का रूप बदल कर उसे बच्चों के लिए लुभावना कर दिया गया था और इस नवाचार का असर भी सभी को देखने को मिला। तो देखा आपने किस तरह अगर कुछ करने और आगे बढ़ने बढ़ाने का जज्बा हो तो उसे बिना शिकायत ही पूरा किया जा सकता है। उम्मीद है राज्य के सरकारी स्कूल धीरे धीरे इस पुरानी तस्वीर और तौर तरीके को बदल डालेंगे और नवाचारों संग बच्चों की जिंदगी रोशन करने को प्रतिबद्ध होंगे, जैसे कि धारता के इस विद्यालय ने किया।